नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खबरें। रीवा के कलाकारों में है अद्भुत टैलेंट, बस उन्हें एक मौके की होती है जरूरत, फिल्म अभिनेता कुमुद मिश्रा ने कहा। ककलपुर सरपंच की हुई मौत, पुलिस पर मारपीट का आरोप। नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ युवकों ने की मारपीट, मामला थाने में दर्ज। रीवा जिले के त्योथर अमाव गांव के रहने वाले कुमुद मिश्रा फिल्मी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपनी माटी का नाम रोशन किया है। उनके रीवा आगमन पर उनसे चर्चा के दौरान उन्होंने माना कि रीवा के कलाकारों में अद्भुत टैलेंट है, बस उन्हें एक मौके की जरूरत है जिससे वो अपनी पहचान बना सके। कुमुद मिश्रा रीवा जिले के त्योथर के अमाव के रहने वाले हैं। भले ही काम ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, साथ ही वो अपनी माटी को भी नहीं भूले हैं। उनका परिवार अभी भी यहीं रहता है। उन्होंने रीवा और भोपाल में रहकर पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्टिंग की शुरुआत की। सुल्तान में सलमान को पहलवानी सिखाने वाले ससुर हों या रुस्तम में अक्षय की बेगुनाही पर खबर छापने वाला पत्रकार, एमएस धोनी में अफसर की भूमिका निभाने वाला हो या एयरलिफ्ट में अक्षय की बात सुनने वाला एकमात्र भारतीय अधिकारी, यहाँ एक चीज कॉमन थी, वो थे कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा हिंदी फिल्मों में उस लकी चार्म की तरह हैं, जो ना रहें तो फिल्म सक्सेस नहीं हो पाती। अपनी एक्टिंग से कुमुद मिश्रा ने भले ही धीरे धीरे अपना एक अलग मुकाम बनाया हो और साथ ही उन्होंने रीवा का नाम भी रोशन किया है, यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। कुमुद मिश्रा का कहना था कि कला किसी के मोहताज नहीं होती, बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। उनके रीवा आगमन पर मेडिकल कॉलेज के द्वारा साल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये माना कि रीवा के कलाकारों में टैलेंट तो है, बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत होती है जिससे वो आगे बढ़ सकें। जल्दी उनकी नई फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि विंध्य में कई जगह बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनको फिल्मों में फिल्माया जा सकता है। जल्द ही इस पर भी संभावनाएं बनेंगी और कुछ दिनों पश्चात विंध्य में भी फिल्मों की शूटिंग की जाएगी। आइए जानते हैं फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने कुमुद मिश्रा से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। मतलब रीवा आना इसलिए हो क्योंकि मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी पैदाइश है, तो जाहिर है मेरा परिवार यहाँ रहता है, सो इसलिए मैं रीवा आता हूँ। और मैं मुंबई में हूँ, अभिनेता हूँ, काम करता हूँ वहाँ पे। और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, तो जैसे जैसे लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है चीज़ों को लेकर के, तो लोग यहाँ के लोग मुंबई आ रहे हैं और तलाश रहे हैं काम, ढूंढ रहे हैं काम, जैसे मैं गया था मुंबई काम ढूंढने के लिए। तो या तो वो तो जैसे जैसे समय बदलेगा, परिवर्तन तो आप देख ही रहे रीवा में कितना हो रहा है, तो उसी तरह से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो प्रॉब्ली हमारे पास अद्भुत टैलेंट है इस क्षेत्र में, अब उनको मौका मिलने की देर है। आप देख लीजिएगा, मौका मिलता है जैसे जैसे तो लोग आगे आएंगे। आने वाली फिल्मों के बारे में सूर्यवंशी है जो जिसका ट्रेलर आ रहा है, तो वो है। बाकी जो फिल्में हैं उनकी कोई डेट नहीं अनाउंस हो रही बिकॉज ऑफ कोरोना, तो उसका कोई मतलब नहीं। और जो मैं अंडर प्रोडक्शन है उनके बारे में बात नहीं कर सकता, चूँकि हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अभी हम उसके बारे में रिवील ना करें, वो प्रोड्यूसर जब डिसाइड करें तब करें। सर, क्या माने सूर्यवंशी कब तक रिलीज हो जाएगी? अभी किसी को नहीं पता कल क्या होगा, हमको नहीं पता। आप देखिए कि कब कब लॉकडाउन लग जाता है, कब आपका पार्शल लॉकडाउन होता है, ये सब, ये हम इतने अनस्टेबल समय में रह रहे हैं कोरोना की वजह से। सो कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय। बघेली को लेकर के, बघेली को लेकर के प्रयास नहीं करना होता, किसी भाषा को लेकर प्रयास नहीं करना होता। भाषा अपने आप इवॉल्व होती है, अपनी जगह खुद बनाती है, और वो जो समाज होता है वो समाज डिसाइड करता है भाषा के लिए
जितनी समाज को ज़रूरत होगी उस भाषा की, उसी तरह से भाषा ग्रो करेगी, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो बघेली में कुछ फिल्में बन रही हैं, बघेली में नाटक हो रहे हैं सालों से। हर आर्ट फॉर्म के लिए एक जिसको कहते हैं स्टेट का सपोर्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो स्टेट जितना सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेंगी, उतनी हमारी भाषा, हमारा कल्चर फले फूलेगा। जी, विंध्य में ढेर सारी प्राकृतिक सौंदर्य है, क्या इसको लेकर कभी फिल्म में आपके द्वारा उधर उठाया गया या किस? अब ये अगेन 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 हम जो है ना इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, तो हमारे हम न तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, न सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारा यही हो सकता है कि हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं, जब हमारे प्रोड्यूसर पूछें कि आप कहाँ शूट करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक्सप्लोर कीजिए। और विंध्य क्षेत्र बहुत अनएक्सप्लोर्ड रहा है उस लिहाज से, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी अनाउंस की है प्रॉब्ली फिल्मों के लिए, तो भोपाल एक सेंटर बन गया है जहाँ पे बहुत सारा काम होता है, कुछ हद तक जबलपुर में होता है। मुझे लगता है कि मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, कि जब अगर एक्टर्स आते हैं शूट करने के लिए तो उनके लिए एक स्पेस हो जहाँ वो रुकें, और जहाँ वो, तो जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वो उसी तरह से फिल्में यहाँ आएंगी शूट करने के लिए। तो अब सोचिए, अब आजकल अरुणाचल में जा रहे हैं लोग शूट करने के लिए, जो कि सालों से अनएक्सप्लोर्ड था इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्री के संदर्भ में। तो विंध्य बहुत रिच है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तो यहाँ भी जल्दी होगा। झिरिया स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन सद्गुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक माह की 17 तारीख को इस प्रकार के नेत्र शिविर लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में आज के शिविर में करीब 100 लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया, जिसमें 11 लोगों के ऑपरेशन हेतु चिन्हित किया गया। वहीं हम आपको बताते चलें कि रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह द्वारा आम जनता से कहा गया कि ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क है, जिसका लाभ आमजनों को उठाना चाहिए। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। ये सद्गुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के संयुक्त तत्वावधान में ये शिविर हर 17 तारीख को प्रत्येक माह में लगाया जाता है। और आज का जो शिविर है उसमें कुल मिला करके और 80 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें चित्रकूट जाने वाले कैटरेक्ट के पेशेंट्स की संख्या 11 है। ये वहाँ जाएंगे, ऑपरेशन होगा और तीसरे दिन वापस यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुविधा बहुत ही निःशुल्क है और इससे सबको लाभ उठाना चाहिए। सरपंच के साथ थाने में मारपीट का आरोप, अस्पताल में उपचार के दौरान आदिवासी सरपंच राम मिलन कोल की हुई मौत, जेल से आए पैरोल के दस्तावेज की जानकारी लेने के लिए 2 लोगों के साथ थाने गया था सरपंच। आपको बता दें कि सतना जिले के ताला थाना प्रभारी व पुलिसकर्मियों के ऊपर सरपंच के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। ककलपुर सरपंच के परिजनों का आरोप है कि पैरोल के एक दस्तावेज की जानकारी लेने सरपंच 2 ग्रामीणों के साथ थाने गए थे। थाने में ही सरपंच सहित 2 अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई और फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर बवाल उस समय उत्पन्न हो गया जब सरपंच की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर सरपंच की पत्नी और ग्रामीणों ने बताया कि 26 फरवरी को सरपंच कुछ फरियादियों के साथ थाने गया था, जहां पेरोल के दस्तावेज के संबंध में जानकारी चाहिए थी। पेरोल का एक दस्तावेज सरपंच के पास भी जेल से भेजा गया था, लिहाजा उसी के संबंध में थाने में भेजे गए दस्तावेज की जानकारी लेने सरपंच फरियादियों के साथ गया था। परिजनों का आरोप है कि थाने में सरपंच व फरियादियों को बैठा लिया गया और जबरदस्ती मारपीट की गई। सुबह होने पर फर्जी मुकदमा लगाकर सरपंच सहित 2 फरियादियों को जेल भेज दिया गया। जमानत पर वापस आने के बाद सरपंच की हालत खराब थी, लिहाजा इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सरपंच के साथ वीरेंद्र कुमार द्विवेदी और अखिलेश साकेत के साथ भी मारपीट की गई, उन पर भी फर्जी मुकदमा लगाया गया है।
जो इस पूरे मामले के साक्षी बताए जा रहे हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में जानकारी के कुछ अंश। चले हैं घर से तो हम पूछे दुलारिया क्या घटना हुई। घटना या जब भाग जब ताला चले गए हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं ताला से। फिर जब थाना रिपोर्ट फोन लगा तो फोन नहीं लग लगाते रह गया फोन नहीं लग। जब बिहान भर तो फिर पता आई कि थाना मत जेल थी मैं। जेल से जब आए छुड़ा लाए मोर देवर तो पूछम का भा तो कहें कि हमको पुलिस वाले खीम मारे लाते लात मारे थी बाखन में मारे थी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार द्विवेदी है। एक जेल अधीक्षक द्वारा कागज आया हमारे भाई का पैरोल मंजूर होना था तो श्री राम मिलन सरपंच के पास कॉल हैं इनके पास कागज आया तो ग्राम पंचायत से कागज बनवा के हम लोग एक थाना टीआई के पास कागज आया था तो भाई हमारा जेल से फ़ोन किया कि जाओ वहाँ कागज आ गया है वहाँ थाना में झूठ बोलते हैं कि नहीं आया है आज से काल ऐसा बोलते हैं। तो हम उसी कागज़ के संबंध में गए तीन आदमी तो कागज के लिए हम बोले वहाँ जाकर कि श्रीमान जी हमारे भाई का कागज आया है उसमें आप अनुशंसा कर दीजिए और अनुशंसा करके भेज दीजिए केंद्र दे जेल अधीक्षक को हमारा भाई ऐसा बोल रहा है। तो फिर बोले कि वो मुंशी नहीं है आएगा तो कागज निकालेगा देगा तो ऐसा वैसा करेगा। फिर सरपंच साहब बोले कि इसका कागज आप लोग क्यों नहीं बना रहे हो गया सरपंच साहब को मारपीट करने लगे हो पुलिस वाले मारपीट करने लगे और हम लोगों को भी मारपीट करने लगे कि तुम नेतागिरी दिखाने आए हो ऐसा वैसा जी सर। उसके बाद सुबह क्या हुआ कि हमारे भाई का भी कागज़ दिखाया गया वही थाना में कि ये तुम्हारे भाई का कागज आ गया है थाना। सरपंच के साथ जब मारपीट हुई फिर कहाँ लेके आए हो तुम जी? सरपंच के साथ जब मारपीट हुई तो हम लोग वही सुबह थाना में ही थे तो सुबह हमारे भाई का पैरोल वाला कागज भी दिखाया गया कि ये पैरोल का कागज आपके भाई का आया है बोलो तो बना दूं और कहो तो ना बिगाड़ दूं। तो हम बोले सर हम तो कागज़ बनवाने के लिए तो आए थे तो कागज़ श्रीमान जी बना दीजिए भाई हमारा बाहर आ जाए तो हो गया। फिर उसके बाद बैठाए रह गए फिर सरपंच साहब की तबीयत वही थाने में ख़राब हो गई तो फिर हम लोगों को वहाँ हथकड़ी पहना के और वहाँ पेश कर दिए गए न्यायालय में सरपंच को भी जी। और फिर क्या हुआ? फिर हो गए न्यायालय से पेश करके वहाँ मैहर जेल में भेज दिए गए। सरपंच की मौत कैसे हो गई? जी सरपंच की मौत हुई है पुलिस के मारने से। क्या नाम था सरपंच का? श्री राम मिलन कोल। किस ग्राम पंचायत के सरपंच? ककलपुर। थाना कौन सा लगता है? ताला। घटना कब की है जी? घटना कब की है जी? एक 26 तारीख की है। मैं 26 तारीख को गया। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार द्विवेदी है तो 26 तारीख को मैं 4 बजे गया तो बैठ जी सरपंचो गांव के हैं। जिला सतना से ग्राम ककलपुर के निवासी हैं जो कोई बताया जाता है पूर्व सरपंच थे उनकी मृत्यु हुई है और इनका पोस्टमार्टम जो है वो होना है उनकी प्रक्रिया में है अभी हमारे यहाँ और पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब उनका आरोप तो यह है कि उनके यहाँ मारपीट वगैरह हो चुकी है लेकिन अभी पोस्टमार्टम हो जाए तो बस निकल पता। नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला पहुंचा थाने। घटना के संबंध में बताया गया है कि जोन क्रमांक के एक में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक आयुष कुमार पांडे के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जोन प्रभारी एस के चतुर्वेदी के साथ भी झूमा झटकी का प्रयास किया गया जिसके बाद देखते ही देखते नगर निगम अमला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के कारण राजस्व वसूली का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का कार्य करती हैं। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजस्व निरीक्षक आयुष कुमार पांडे अपने बीच में राजस्व वसूली के कार्य से गए थे जहाँ उनकी गाड़ी की दूसरे पक्ष से भिड़ंत हो गई। आयुष कुमार पांडे का आरोप है कि घटना में सोहेल खान नामक युवक व उसके साथियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की
जिसके कारण से उन्हें चोटें आईं। घटना में घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। प्रस्तुत है इस संबंध में पीड़ित एवं थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं संपत्ति कर वसूली करके अपने ऑफिस साइड लौट रहा था वार्ड से। इनकी गाड़ी आ रही थी, मैं अपनी गाड़ी साइड में लगा लिया कि ये निकल जाए। इनकी गाड़ी मेरी स्कूटी में हल्का से इनकी गलती के कारण छू गई। मैंने इनसे जब ये निकल गई हल्के आगे तो मैंने बोला चलिए भैया आपकी गाड़ी में नहीं लगा स्क्रैच। ये उतने में उतर के आए मुझको मारने लगे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। मैंने इनसे शिष्टाचार से बात की कि मतलब आपकी गाड़ी में कोई चोट नहीं है, आप निकल जाइए। फिर भी इन्होंने मेरे को मारने लगे आके। दो लोग थे गाड़ी में। कौन कौन? तो जानते किसी? नहीं जानते नहीं। क्या काम करते हैं? मैं नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक हूँ, वसूली का कार्य करता हूँ। आयुष कुमार पांडे। FIR दर्ज करवा दिया जी का। पहुंचे पावे नहीं, पांच का पहले खबर भी जाता। मारपीट का कोई मामला आया सर? क्या बात? नगर निगम में वो नौकरी करते हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, लेकिन जो मारपीट की घटना हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है। वो अपने यहीं पर घोघर में स्कूटर से अपने स्कूटी से जा रहे थे और स्कॉर्पियो आमने सामने क्रॉस हो रही थी। स्कॉर्पियो से टक्कर लग गई, उसी में कुछ इक्का वाद विवाद होने की वजह से स्कॉर्पियो में जो सवार था वो उतर के और इनके साथ मारपीट करने लगा। तो ये भागे, थोड़ा गिरे भी, चोट आई इनको, और उसी समय फिर पब्लिक इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, तो फिर बीच बचाव कर दिया। तो ये घटना हुई है। इनके द्वारा फिर अपने विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद फिर मैंने स्टाफ भी भेजा मौके से। वहाँ पर जब तक विवाद शांत हो गया था उनको लाया गया है और उनकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत किया गया है। एक्सीडेंट का मारपीट बताया सर, बेल्ट से मारपीट की गई। अब उन्होंने रिपोर्ट में जो लिखा है तो मेडिकल कराया जाएगा। तो मारपीट की गई, उनके साथ चोटें भी आई हैं, गिरे भी। जब वो मारपीट कर रहे थे तो वहाँ से अपने बचाव में भागे भी तो गिर भी पड़े थे, तो उससे भी चोट आई है उनके शरीर में और मारपीट से भी चोटें आई हैं। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट पर अपराध स्कॉर्पियो वाहन चालक के विरुद्ध और जो उनके साथ मारपीट की है उनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत। बचा लो जीवन, यही है नारा। नशा मुक्त हो देश हमारा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज कोटी कंपाउंड रीवा के शिव मंदिर के पास भिक्षा मांगने वाले भाई बहनों का चरण धोकर उनकी आरती उतारते हुए उन्हें नशा न करने की प्रार्थना की गई। शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी द्वारा भिक्षा मांगने वालों के चरण धोए तथा उन्हें नशा न करने की शपथ दिलाई। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बीते कई वर्षों से शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी कार्य कर रहे हैं। इस दौरान सुजीत द्विवेदी ने कहा कि समाज में बढ़ती नशाखोरी चिंता का विषय है, हम सबको आगे आना होगा और सोचना होगा, समझना होगा, तभी इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी, बहु बेटियों का मान सम्मान हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। अगर बच्चों का भविष्य ही समाप्त हो जाएगा तो हम सबके जिंदा रहने का क्या मतलब रह जाएगा। संसार में ईश्वर ने हम सबको एक समान पैदा किया है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। हम रीवा जिले के समस्त जनता से अनुरोध करते हैं कि समय रहते नशे को त्याग दें। आज कोटी कंपाउंड में सभी भिक्षा मांगने वालों से नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। आज के कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, कष्टहर नाथ, भारत सरकार निशांत त्रिपाठी, आकाश के अलावा शासकीय कला पथक दल के महेंद्र सिंह तिवारी, नरेंद्र मिश्रा, इंद्रलाल और शारदा प्रसाद उपस्थित रहे। आइए देखते हैं जानकारी के कुछ अंश। यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी नशा नहीं करूँगा और अपने सामने किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। ईश्वर इस नेक कार्य में हम सबकी मदद करे। जय हिंद, जय भारत। दरअसल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है भारत को नशा मुक्त बनाना। उसी कार्यक्रम के तहत रीवा में भी सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राम पंचायतों में, और कलेक्टर सर का आदेश है कि आप लोग जो भी हैं, भिखारी हैं, भिक्षा मांगने वाले हैं,
मंदिरों में हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जाइए और नशा मुक्ति का संदेश दीजिए, लोगों से शपथ करवाइए। हमने आज यहाँ पे कोठी कंपाउंड में जो हमारे ये भिक्षा मांगने वाले भाई बहनें हैं, इनके हमने चरण धोकर और इनसे हमने नशा ना करने की अपील की है, ताकि हमारा देश जो है एक स्वस्थ देश बन सके, स्वच्छ देश बन सके और नशा मुक्त देश बन सके। सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा समिति। कॉलेज के शिक्षक भूल गए अपनी मर्यादाएं, छात्राओं को कर रहे थे कई तरीकों से परेशान। मामला उजागर होने पर दो शिक्षकों पर गिरी गाज, कार्यवाही हेतु कलेक्टर को भेजा गया प्रस्ताव। कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा भगवान और भक्त के समान होती है, लेकिन TRS कॉलेज के जन भागीदारी शिक्षकों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्राओं के परिजनों द्वारा कॉलेज पहुंचकर दो शिक्षकों के विरुद्ध कई तरीके से परेशान करने के आरोप उन पर लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि जिन शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनकी भर्ती पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ला के कार्यकाल में जन भागीदारी समिति द्वारा की गई थी। कॉलेज की छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य के लिए छात्राओं के मोबाइल नंबर कॉलेज में लिए गए थे। इन्हीं नंबरों पर कुछ शिक्षकों द्वारा आपत्तिजनक मैसेज भेजे जा रहे थे। इस तरह के आरोप कई जन भागीदारी एवं स्वीकृति मत से नियुक्त किए गए अध्यापकों पर लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिस पर एक शिक्षक को 3 दिन के लिए शिक्षण गतिविधि से अलग रखा गया था। इस बार गंभीर आरोप के चलते जन भागीदारी शिक्षक रोहित सिंह एवं परिपूर्णानंद तिवारी को 2 सप्ताह के लिए शिक्षण गतिविधि से अलग करते हुए कार्यवाही हेतु जन भागीदारी अध्यक्ष कलेक्टर इलैया राजा टी के पास प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्तुत है प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मामला क्या है मैडम? ये कॉलेज में 2 शिक्षकों को मतलब कुछ दिन के लिए हटाया गया है शिक्षा गतिविधि से। कुछ छात्राओं का ये आरोप है कि उनके साथ कुछ गलत मैसेज दिए जाते, क्या मामला क्या है? देखिए, छात्राओं का जो गलत मैसेज वाला है वो नहीं है। हमारे पास मौखिक रूप से शिकायतें आई हैं, लिखित शिकायत एक भी इस तरह की नहीं है। मौखिक शिकायत ये मिली थी हमको कि छात्राओं से या छात्रों से सभी से नंबरों का दबाव बना करके और उनसे कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास जो जानकारी आई है उस पर विभागाध्यक्ष संबंधित विभाग के उनको हमने ये जानकारी दी कि ये मौखिक हमारे पास सूचना आई है और उस पर फिर उस मौखिक सूचना को ही संज्ञान लेकर के उन्होंने कार्यवाही की है। और कार्यवाही करने के बाद हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई है शिक्षकों की एक समिति बनाकर, तो वो समिति जो है उस वो निर्णय ले रही है इस पर। साथ ही आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले पैसे के लेन देन का भी एक वीडियो छात्रों से जो पैसे लिए जा रहे थे वो भी प्रसारित हुआ था प्रैक्टिकल के नाम पर, तो उस पर भी हमारे यहाँ की समिति ने पूरा निर्णय लिया हुआ है। और कलेक्टर साहब चूँकि नियोक्ता है, जनभागीदारी से इन शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस वजह से उनके अनुमोदन के पश्चात ही हम इसको कार्यवाही कर सकते। मैडम, जो अभिभावक आए थे तो क्या बताया, किस तरह का दबाव बनाया जा रहा, पैसे को लेकर या फिर कुछ पैसे को लेकर? नहीं, उनके द्वारा ये था कि भाई बच्चों को तंग करते हैं कि हमारे पूरा जो हम कहना कहते हैं वैसा करो और जो नंबर हैं वो सब हमारे हाथ में हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो इसलिए यदि हम क्लास नहीं लेते हैं तो हमारी शिकायत नहीं करो, इस तरह की चीज़ें। मैडम, यदि छात्राओं का मामला है तो ऐसे में तो अगर लापरवाही बरती गई तो बड़ी घटना हो सकती है। नहीं, लापरवाही कोई नहीं बरती जा रही है इस संबंध में। और संबंधित शिक्षकों को मतलब जनरल सभी शिक्षकों को एक कड़ी चेतावनी इस बारे में दे दी जा चुकी है कि इस तरह की यदि हमारे पास शिकायतें आएंगी तो उस पर पूरी कड़ाई से और समुचित निर्णय लिए जाएंगे उनके लिए। अभी तो शिक्षक है मैडम, अभी हम आपको नाम, अभी 2 शिक्षकों के मतलब का कार्य से मुक्त किया गया है? नहीं, कार्य से मुक्त नहीं किया गया है। इसके ये पहले की कुछ घटनाएं हैं, वो इससे संबंधित नहीं है। जिनको अलग किया गया था, 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, वो अलग प्रकरण के समाचारों में बस इतना ही। कल अपनी सायंकालीन सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।